हेलो एंड वेलकम टू द ब्रेन एग माई नेम इज हिमांशी इफ यूर न्यू टू दैनल डोंट फर्गेट टू हिट दब्सक्राइब बटन हम यहाँ डिस्कस करते हैं द टॉप मोस्ट करेंट अफेयर ऑफ द डे आज की डेट है 16th of May. So, let's get आज का पहला क्वेश्चन है अबाउट अरम्बा वोर वुड कार्विंग्स जिन्हें जो है रिसेंटली जी आई टैग प्रोवाइड किया गया है तो हमें बताना है कि ये जो है ये किस स्टेट को बिलोंग करते हैं ऑप्शन हमारे सामने हैं आंसर इज कि ये जो जीआई टैग है ये बिलोंग करता है टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु तो तमिलनाडु में है वुड कार्विंग्स तो जैसे कि हम पिक्चर में देख रहे हैं ये काफी ब्यूटीफुली और इंट्रिकेटली कार्व एक तरीके का आइडल है जो कि बनाया जाता है इन तमिलनाडु तो जैसे कि हमने देखा अरंबावुर वुड कार्विंग्स जो है जो तमिलनाडु की है और इसी के साथ तमिलनाडु की थांजावुर थांजावुड नेटीवर्स को भी जो है जी टैग प्रोवाइड किया गया है तो ये दोनों जो है इन्हें मिल गया है जी टैग जीआई टैग क्या होते हैं ये एक तरीके के जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स होते हैं जो उन प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड किया जाता है जो कि एक स्पेसिफिकली और एक्सक्लूसिवली एक जोग्राफिकल एरिया को बिलोंग करते हैं ताकि इसका जो है किसी भी तरीके का मिसयूज ना हो सके और उनकी जो है पॉपुलरिटी को खास तरीके का प्रमोशन दिया जा सके जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे दो जी टैग्स हैं तो एक एक करके हम उन्हें देख लेते हैं पहला हम देखते हैं अबाउट अरामबावर वुड कार्विंग्स ये जो है ये बनाए जाते हैं बाय द आर्टिस्ट ऑफ पेरामबलूर एंड दे आर मेनली मेड आउट ऑफ वुडन लॉक्स जैसे कि लिंगम ट्री मैंगो ट्री इंडियन एश ट्री तो इस तरीके के जो वुडन लॉग्स होते हैं उनसे बनाया जाता है और ये जो वुड है ये सप्लाई की जाती है फ्रॉम पचमलाइक हिल्स अलॉन्ग विथ रिचि परम्बलू बाउंड्री तो जैसे कि हम देख रहे हैं काफी स्पेसिफिक वुडन लॉग्स और काफी स्पेसिफिक जगह से जो आती है उनसे इसे बनाया जाता है और इसकी जो है खास बात एक इसकी जो यूएसपी है कि ये जो है ये काव किए जाते हैं फ्रॉम अ सिंगल फ्रॉम अ सिंगल ब्लॉक ऑफ वुड यानी कि एक सिंगल पीस होता है पूरा उस पीस से जो है इस तरीके की जो है काविंग की जाती है इस तरीके की जो है आइडल्स क्रिएट किए जाते हैं तो ये अपने आप में काफ़ी खास है इसी के साथ हम देखते हैं नेती के बारे मार्शी प्लांट जिसका नाम है किनोमिन एस्परा ये एक तरीके का ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जैसे कि हम देख रहे हैं कुछ इस तरीके का दिखता है ये काफी डेलिकेट और काफी फ्रोजाइल वर्क होता है तो इसे जो है हम प्रेफर करते हैं कि इसे जो है केस में रखा जाए तो इस तरीके का जो काम है नेति वर्क ये हमें दिखता है इन बृहदेश्वरा टेम्पल जो की तमिलनाडु में है और काफी सारे हिंदू देतीस में या फिर या फिर डोर हैंगिंग्स वगैरह में जो है इसे जो है लगाया जाता है ये जो नेति वर्क हम देख रहे हैं ये प्रोड्यूस किया जाता है थाांजावुर में कुंबकोनम में और पुद्दू में तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे भी काफी स्पेसिफिक जगह और काफी स्पेसिफिक प्लांट्स तो इसलिए इसे भी जो है जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है देखिए यहाँ पे जो आपको बता रहे हैं बृहदेश्वरा टेम्पल के बारे में बृहदेश्वरा टेम्पल कहाँ पे है ये तमिलनाडु में है आपसे जो है टेम्पल्स पूछे जाते हैं और इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके स्टैटिक रिलेटेड तो आज का आपका क्वेश्चन ये है कि आपको मुझे बताना है कि तमिलनाडु तमिलनाडु के जो स्टेट है वहां पे जो है कौन से फेमस टेम्पल्स हैं जो कि हमारे एग्जाम रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट है तो ये आपका क्वेश्चन है आज का तो जैसे कि हमने देखा नेति वर्क्स इसी के साथ काफी सारे जो है जीआई टैग्स हमने रिसेंटली डिस्कस किए थे तो उन्हें भी हम एक बार फिर से देख लेते हैं जैसे कि कोविल पट्टे कडली मिठाई जो कि तमिलनाडु की है मणिपुर ब्लैक राइस गोरखपुर यानी कि यूपी का टेराकोटा ऑल्सो कश्मीरी सैफरन और कल हमने डिस्कस किया था अबाउट तेलंगा तेलंगाना की तेलिया रूमाल और झारखंड की सोहराई खोबर तो ये हमने देखी सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इट इज अबाउट कि अकॉर्डिंग टू द यू एन सी टी जो ग्लोबल ट्रेड है वो कितना गिरने वाला है या कितना परसेंट जो है गिरने वाला है ऑप्शन हमारे सामने है तो जो ग्लोबल ट्रेड है वो गिरने वाला है अराउंड थ्री परसेंट अकॉर्डिंग टू यू एन सी टी So UNCTAD क्या है ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है जिनके अकॉर्डिंग जो है कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से करीब थ्री परसेंट जो है ग्लोबल ट्रेड में ड्रॉप होने वाली है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 और इसी के साथ यूनाइटेड नेशंस भी अपने यूनाइटेड नेशंस ने भी जो है स्टैटिस्टिक्स अपने रिलीज की है इनके अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है थ्री ये इनका फोकस्ट है तो यूएनसीटी जो है ये एक तरीके की बॉडी है जो यूनाइटेड नेशन के अंडर आती है

कि ये प्रोवाइड किया जाएगा बाय दी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट तो यूनियन टेरिटरी जो कि जम्मू कश्मीर है इसी के साथ जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है इन दोनों ने जो है अनाउंस किया है कि ये प्लान कर रहे हैं टू प्रोवाइड टैप कनेक्शन टैप कनेक्शन टू सप्लाई वाटर टू ऑल द रूरल फैमिलीज ये सभी को नहीं अर्बन नहीं सिर्फ रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं तो रूरल फैमिलीज बाय मिशन तो जल जीवन मिशन क्या है ये एक तरीके का सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसके अंदर जो है ये एम करते हैं कि ये प्रोवाइड करे ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड यानी कि जल शक्ति जीवन जल जीवन मिशन भी जो है उसके अंदर रूरल हाउस को जो है फोकस किया जाता है और ये जो मिशन है ये लॉन्च किया गया है बाई द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के बारे में जाने तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है वो है गजेंद्र सिंह शेखावत इसी के साथ जम्मू कश्मीर की बात हो रही है जम्मू कश्मीर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जेके मॉनिटरिंग पोर्टल जो है ये जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ताकि वो अपने जो है उन्हें हेल्प कर सके तो ये हमने न्यूज देखी रिलेटेड टू जल जल जीवन मिशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि डीवीएस ग्रुप अलोंग विथ विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ लो कॉस्ट ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्टेंट डिवाइस तो हमें बताना है कि टीवीएस ग्रुप जो है वो किसके साथ पार्टनर कर रहे हैं ऑप्शन हमारे सामने है आंसर आंसर कि टीवीएस ग्रुप जो है ये पार्टनर कर रहा है आईआईटी मद्रास के साथ तो जैसे कि हम देख रहे हैं टीवीएस ग्रुप अलोंग विद सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन एंड आईआईटी मद्रास इन तीनों ने मिलकर जो है एक जॉइंटली डेवलप किया है लो कॉस्ट ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्ट डिवाइस जिसका नाम है द सुंदरम वेंटागो तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सुंदरम वेंटागो क्या है तो ये एक तरीके का रेस्पिरेटरी असिस्टिव डिवाइस है और जैसे कि हम देख रहे हैं ये रेस्पिरेशन में जो है काफी ज्यादा हेल्प करेगा सभी पेशेंट्स को इसी के साथ जो है ये बूस्ट प्रोवाइड करेगा हमारे मेक इन इंडिया के जो है प्रोग्राम को हमने जो है काफी सारे लो कॉस्ट रिसेंटली डिस्कस किए थे तो उन्हें हम एक बार फिर से देख लेते हैं जैसे कि हमने देखा था स्वास्थ्य वायु ये क्या है एक नॉन वेंटिलेटर जो वेंटिलेटर है जो कि डेवलप किया गया था सीएसआईआर की नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा इसी के साथ वाइटल जो कि एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर है और ये डेवलप किया गया है नासा के द्वारा जीवन जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा डेवलप किया गया है इसी के साथ दो कंपनीज है मारुति सुजुकी एंड अशोक लेडन इन दोनों ने भी जो है डिसाइड किया था कि ये लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स डेवलप करेंगे तो ये जो है हमने सारा इन्फॉर्मेशन देखा रिलेटेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है कि किस स्टेट ने लॉन्च किया है द पोर्टल नेम्ड होप तो होप जो है ये पोर्टल लॉन्च किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड उत्तराखंड ने जो है एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है होप और इसका फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत उन्होंने इस पोर्टल को जो है लॉन्च किया है और इसके थ्रू जो है ये हेल्प करेंगे अनएम्प्लॉयड यूथ को ताकि वो जो है उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने में जो है हेल्प हो सके इसी के साथ ये जो पोर्टल है ये कलेक्ट करेगा डेटा ऑन द ऑफ द स्टेट और ये जो है इस डेटा को फर्दर लिंक करेंगे विद द मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तो जैसे कि हम देख रहे हैं उत्तराखंड के बारे में तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है देहरादून और रिसेंटली गैर से इनको जो है, इसकी समा कैपिटल डिक्लेयर किया गया था और हमने इनके चीफ मिनिस्टर देखे मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि उत्तर प्रदेश ने जो है एक ऐप रिलीज किया है जिसका नाम है प्रवासी राहत मित्र ऐप तो हमने देखा अबाउट होप पोर्टल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि फोर इंडियन हैव साइंड अ नॉन एक्सक्लूसिव वॉलेंट्री लाइसेंसिंग अग्रीमेंट विद क्लियर साइंसेस टू मैन्युफैक्चर व्हाट तो हमें बताना है कि ये जो अग्रीमेंट है ये किस चीज के मैन्युफैक्चर के लिए किया गया है ऑप्शन हमारे सामने है आंसर इज कि ये जो अग्रीमेंट है ये साइन किया है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेन तो जैसे कि हम देख रहे हैं ये जो चार डोमेस्टिक फार्मा हैं जिनका नाम है सिप्ला जुबिलेंट लाइफ हेट्रो एंड साइंस ये चारों जो है दे हैव एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट टू मैन्युफैक्चर रेमडेसिविर व्हिच कैन बी अ पोटेंशियल थेरेपी फॉर कोविड नाइनटीन तो हमने देखा अबाउट अ पोटेंशियल थेरेपी फॉर कोविड नाइनटीन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि कंपनी हैड मेड इट ऑफिशियल दैट इट्स इंप्लॉयज कैन वर्क फ्रॉम होम फॉर एवर यानी कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिन्होंने अनाउंस किया है कि उनके एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं हमेशा के लिए ऑप्शन हमारे सामने हैं आंसर इज ये अनाउंस किया गया है बाय ट्विटर तो ट्विटर ने ऐसा अनाउंसमेंट किया है कि उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं फॉर एवर के लिए हमेशा के लिए और इसी के साथ जो है ट्विटर वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज टू गो वर्क फ्रॉम होम मॉडल इन द फेस ऑफ कोविड ट्विटर के जो सीईओ है वो है मिस्टर जैक डोर्सी ऑल्सो गूगल एंड फेसबुक में भी गूगल एंड फेसबुक ने भी जो है अनाउंस किया था कि ये अलाउ करेंगे वर्क फ्रॉम होम टू दी एंड ऑफ दिस ईयर तो हमने जैसे कि देखा अबाउट ट्विटर इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने जो है लॉन्च किया है फैमिली सेफ्टी प्रिव्यू ऐप ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो सभी पेरेंट्स हैं ये ट्रैक रख सके अपने सभी चिल्ड्रन के एक्टिविटी ऑनलाइन एक्टिविटी के बारे में तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फैमिली सेफ्टी प्रिव्यू ऐप जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो ये लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा और ये जो है ये पहली बार लॉन्च किया गया था मार्च 2020 में लेकिन अभी जो है इसका आईओएस और एंड्रॉइड वर्जन जो है वो लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली कुछ समय पहले एक वेब पोर्टल लॉन्च किया था ताकि ये ट्रैक कर सके कोविड नाइनटीन का स्प्रेड ऑल्सो माइक्रोसॉफ्ट ने इस साल की शुरुआत में इन्होंने जो है एक एक शपथ ली थी एक वाउ लिया था कि ये अपनी कंपनी को कार्बन नेगेटिव बनाएंगे बाय 2030। माइक्रोसॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन में और इसके सीईओ है सत्या नडेला तो हमने इन्फॉर्मेशन देखी रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट एंड ट्विटर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट विच कंट्री हैज लॉन्च टू सैटेलाइट टू टेस्ट दी स्पेस बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो हमें बताना है कि ये जो है ये किस कंट्री के द्वारा इस तरीके की दो सैटेलाइट लॉन्च की गई है ऑप्शन हमारे सामने है आंसर इज ये लॉन्च की गई है बाय चाइना तो चाइना की गवर्नमेंट ने दो सैटेलाइट्स लॉन्च की है टू टेस्ट दी स्पेस बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये जो सैटेलाइट है उनका नाम है कुछ समय पहले डिस्कस किया था कि ने किया था अपना लॉन्ग मार्च टू बी रॉकेट ये जो है इन्होंने लॉन्च किया था फॉर मिलिट्री सर्वेलेंस तो इसी के साथ हमारे पास एक अपडेट है रिलेटेड टू दिस दिस रॉकेट कि ये जो रॉकेट है ये वापस धरती पर आ गया है एंड ये जो है इट अज स्पेल डाउन इन टू अटलांटिक ओशन तो आपके लिए ये जो रॉकेट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये लॉन्च किया गया था चाइना के द्वारा इसी के साथ कुछ समय पहले ईरान ने भी एक मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च की थी जिसका नाम है नूर और जो रशिया ने भी एक आर्टिका करके सैटेलाइट लॉन्च की थी ताकि वो जो है आर्टिक ओशन के जो भी एनवायरमेंट है उसे जो है मॉनिटर uh, कर सके तो ये हमने देखी सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रिसेंट सैटेलाइट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट विच मिनिस्ट्री हैज पार्टनर्ड विद टेक स्टार्टअप्स लाइक सेफ जॉब एंड सीकीफाई टू यूज देयर टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट कोविड-19 स्प्रेड तो हमें बताना है कि ये जो टेक स्टार्टअप्स हैं इनसे इनके साथ जो है किस मिनिस्ट्री ने पार्टनर किया है ऑप्शंस हमारे सामने हैं आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है ये पार्टनर कर रही है विद सेफ जॉब एंड सीकी फाइव टू प्रिवेंट दी स्प्रेड ऑफ कोविड नाइनटीन दी लोकल किराना स्टोर लेवल तो लोकल किराना स्टोर्स में जो है इस तरीके के स्प्रेड को रोकने के लिए इस इन, इन स्टार्टअप के साथ जो है कंज्यूमर अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने जो है पार्टनर किया है ये जो इनिशिएटिव है इनके द्वारा जो लिया गया है उसका नाम है सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव तो अगर सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये जो है इट इज डिजाइन फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ सिटीजन ड्यूरिंग द लॉकडाउन और ये किस लिए है ये जो भी हमारे लोकल किराना स्टोर होते हैं उनके लिए है इन्हें जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके और कुछ तरीके के गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स जो है वो फॉलो करवाया जा सके इनके द्वारा और ये जो सभी प्रोटोकॉल्स हैं ये डिसाइड किए गए हैं बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी आई के द्वारा ऑल्सो अलोंग विध

और ये जो है ये काफी ज्यादा पॉपुलर रहे हैं ऑन द टीवी शो लाइक क्राइम पेट्रोल वगैरह में ही इज ऑल्सो वर्क ऑल्सो वर्ड एज असिस्टेंट डायरेक्टर एंड राइटर एंड ही वज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन सिंस 2008 तो मिस्टर शफीक अंसारी ही रिसेंटली पास अवे इसी के साथ एक लिटरेरी पर्सनैलिटी एजुकेशनिस्ट पद्म भूषणेंट नेशनल प्रोफेसर मिस्टर अन सुजमन ही आल्सो रिसेंटली पास ही बिलोंग टू बांग्लादेश और ये जो है ये काफी ज्यादा रेप्यूटेड स्कॉलर रह चुके हैं इंटेलेक्चुअल रह चुके हैं बांग्लादेश में ही इज ऑल्सो मेड लोड ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ बंगलादेशन वॉर फाइटर तो हमने देखा अबाउट मिस्टर अनि सुजमन एंड मिस्टर शफीक अंसारी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्स्ट है नेक्स्ट है अबाउट रेमी डी ग्रेगोरियो ही रिसेंटली बैंड तो हमें बताना है कि ये ये जो है ये किस स्पोर्ट से रिलेट करते हैं हमारे सामने आंसर इज दैट रेमी ग्रेगोरियो ही यूज टू प्ले साइक्लिंग वॉज अ साइक्लिस्ट और इन्हें जो है बैन कर दिया गया है फॉर फोर ईयर्स बाय द इंटरनेशनल साइक्लिंग यूनियन फॉर यूजिंग बैंड ब्लड बूस्टिंग हार्मो जिसका नाम है एरिथ्रो तो रेमी दि दिग्रगोरियो इन्हें जो है रिसेंटली बैन किया गया है और ये जो है ही ही अ अ फ्रेंच एंड बाइसिकल रेसर इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन के बारे में जाने तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड में और इसके प्रेसिडेंट जो है वो है मिस्टर आ, मिस्टर डेविड और इसी से रिलेटेड रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि डे फ्रांस जो है वो भी जो है पोस्टपोन किया गया था इसी के साथ हम जो रिसेंटली डिस्कस्ड बैंड प्लेयर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं जैसे कि जुमा खातून दीपक अग्रवाल उमर अकमल और यूसुफ होसम तो ये सब जो है इन्हें रिसेंटली बैन किया गया था बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन और अब जो है रेमी दि ग्रगोरिया इन्हें भी जो है बैन कर दिया गया है फॉर फोर इन बाई द इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट इज अबाउट की इंडिया का फर्स्ट हॉट एयर सीम सीलिंग मशीन जो है ये लॉन्च की गई है हमें बताना है कि ये जो है ये कहा लॉन्च की गई है ऑप्शन हमारे सामने है आंसर इज कि ये लॉन्च की गई है बाय गुजरात गवर्नमेंट तो इंडिया की पहली हॉट एयर सीम सीलिंग मशीन जो है ये लॉन्च की गई है गुजरात गांधीनगर में यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर विजय भाई रूपानी इन्होंने जो है इसे इनोग्रेट किया था देखिए जो भी हमारी पीपीई इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि आपके ग्लव्स हो गए जो भी आप आ, जो कि एक ड्रेस पहनते हैं वो हो गया उसे जो है कंप्लीटली और सिक्योरली जो है सील करने के लिए इस हॉट एयर सीम सीलिंग मशीन को बनाया गया है ठीक है ये जो है ये डेवलप किया गया है बाय मैक पावर सी एन लिमिटेड जो कि गुजरात की है और ये जो है जैसे कि हम देख रहे हैं ये है इंडिया की पहली इंडिजिनस मशीन बन जाती है जो प्रोवाइड करती है 100 परसेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस क्योंकि जो है पूरा आपको जो पीपीई किट है वो पूरी तरीके से सील हो जाता है तो आपको 100 परसेंट प्रोटेक्शन मिलती है तो हमने देखा अबाउट दिस मशीन जो कि जो है लॉन्च की गई है इन गांधीनगर गुजरात नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डेर इन टैंग डायरेक्टर जनरल ऑफ तो हमें बताना है कि ही हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ Is, विपो. तो विपो के जो है ये अब नए डायरेक्टर जनरल हैं तो विपो क्या है ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और जैसे कि हम देख रहे हैं मिस्टर डेरिंग अपॉइंटेड एज जनरल और ये सक्सीड कर रहे हैं मिस्टर फ्रांसिस गरी को मिस्टर टैंग जो है ये बिलोंग करते हैं सिंगापोर को और इसी के साथ ये मांग करता है कि फर्स्ट टाइम अ सिंगापोर विलीड अटेड नेशन एजेंसी और विपो के पहले डायरेक्टर जनरल बन जाएंगे फ्रॉम एशिया तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट जो है अपॉइंटमेंट है विपो क्या है विपो इज अ ग्लोबल फोरम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसी सर्विसेज इन्फॉर्मेशन एंड कोऑपरेशन एंड इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस और इसमें करीब 193 मेंबर कंट्रीज हैं इसी के साथ विपो के जो हेड क्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट इज अबाउट वॉट इज कोबास कोबासबल तो हमें बताना है कि ये जो कोबास सिक्स है ये क्या है ऑप्शन हमारे सामने है आंसर इज कि इट इज अ टेस्टिंग मशीन तो कोबास क्या है एक तरीके की टेस्टिंग मशीन है ये एक तरीके की फुल्ली ऑटोमेटेड हाई एंड मशीन है फॉर परफॉर्मिंग आर टी कोविड कोविडीन तो कोविड नाइनटीन का जो है टेस्ट रन करने के लिए इस सिक, इस इस कोबा को जो है है लॉन्च किया गया मशीन को लॉन्च किया गया है एंड इस इसी के साथ जो है ये पहली ऐसी मशीन बन जाती है जो कि प्रोक्यो की गई है बाय द बाई दोना वायरस टेस्टिंग ये करीब बारह सौ सैंपल्स ले सकती है इन ट्वेंटी फोर आवर्स और इस मशीन को जो है प्लेस किया गया है इन नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इन डेली सिक्स एट डबल जीरो जो है, ये जो है भी डिटेक्ट कर सकता है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो uh, मशीन है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी तो ये लॉन्च की गई थी बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोबा सिक्स एट डबल जीरो को जो है लॉन्च किया है और ये जो है ये प्लेस की गई है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल डेली में नेक्स्ट इज अबाउट एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 तो हमें बताना है कि ये जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा जो है रिलीज किया जाता है ऑप्शन हमारे सामने हैं तो एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स 2020 ये रिलीज किया गया है बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया है ग्लोबल एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स इसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो रैंक है वो है सेवेंटी फोर्थ आपके लिए ये जो रैंक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया का जो रैंक कितना है वो हमेशा से किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है तो इंडिया का रैंक है सेवेंटी फोर्थ इसी के साथ कौन सी कंट्री ने उस रैंक में या उस इंडेक्स में टॉप किया है वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तो स्वीडन जो है इसने टॉप कर लिया है इस रैंकिंग में जो कि प्रोवाइड की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा स्वीडन ने जो है इसे टॉप किया है फॉर द थर्ड कंजीक्यूटिव ईयर और इसके बाद आते हैं स्विट्जरलैंड और फिनलैंड जो 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 75% हैं, उनका जो है environment sustainability जो है अच्छी खासी इम्प्रूव हुई है इसका जो है headquarter है स्विट्जरलैंड में और इसके चेयर है प्रोफेसर क्लॉशॉब तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये रैंक करता है 155 countries को। देखिए इस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजेशन 2020 की रिपोर्ट तो इस रिपोर्ट के अंदर जो है ये इंडिकेट करते हैं जो भी करंट परफॉर्मेंस रहा है किस कंट्री का किस तरीके के एनर्जी सिस्टम से रिलेटेड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पे जो है उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा या या फिर एनर्जी सिक्योरिटी पे जो है किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है तो जिस भी तरीके का हम देखें कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी या एनर्जी कंजर्वेशन इस तरीके का जो भी आपकी परफॉर्मेंस रही है आपकी कंट्री की उस बेसिस में जो है इस आपकी कंट्री को जो है रैंक किया जाता है इसी के साथ हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किए गए कुछ और इंपोर्टेंट रिपोर्ट्स देख लेते हैं जैसे कि इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स ग्लोबल कम्पिटेटिव इंडेक्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये सभी रिपोर्ट जो है ये लॉन्च की जाती है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो इसी के साथ अब हम हमारे वन लाइनर्स भी देख लेते हैं फटाफट पहला है अबाउट बी एमडब्ल्यू इंडिया इन्होंने जो है स्टार्ट किया है एक सर्विस कैंपेन जिसके थ्रू जो है ये अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव आफ्टर सेल्स सर्विस तो जैसे कि हमने देखा ये लॉन्च किया गया है बी एमडब्ल्यू इंडिया के द्वारा इसी के साथ हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था कि महिंद्रा जो है उन्होंने लॉन्च किया था अपना ओन ऑनलाइन व्हीकल परचेज पोर्टल तो हमने देखा बहुत बी एमडब्ल्यू एज वेल एज महिंद्रा इसी के साथ ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर जो है इन्होंने अनाउंस किया है कि ये ब्रॉडकास्ट करेंगे डेली स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है कोविड पर दैनिक जानकारी तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोविड पर दैनिक जानकारी जो है ये स्पेशल प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा तो ये लॉन्च किया जाएगा बाय ऑल इंडिया रेडियो ऑफ ईटानगर तो जैसे कि हमने देख रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर इसी के साथ हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था कि जो झारखंड की गवर्नमेंट है उन्होंने कोलाबरेट किया था दूरदर्शन के साथ ताकि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो प्रोवाइड कर सके अपने स्कूल चिल्ड्रन को ऑल्सो सिक्किम सिक्किम ने जो है उन्होंने कोलाबरेट किया था ऑल इंडिया रेडियो के साथ ताकि वो अपने बच्चों को जो है ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर सके इसी के साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन्होंने जो है अनाउंस किया है कि करीब ये फिफ्टी परसेंट जो है सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे सभी पीपीई किट्स में यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पे जो है करीब फिफ्टी परसेंट का जो है सब्सिडी प्रोवाइड करेगी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ऑल्सो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है मिस्टर अमित शाह इन्होंने अनाउंस किया है कि सभी जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज होती है यानी कि सी के जो भी कैंटीन्स होती हैं वहां पर अब सिर्फ इंडिजिनस प्रोडक्ट्स जो है वो, वो सेल किए जाएंगे देखिए ये जो है आत्मनिर्भर भारत का जो इनिशिएटिव हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है उसके अंडर जो है हमारे होम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि सीएपीएफ के कैंटीन में अब सिर्फ जो है इंडिजिनस प्रोडक्ट्स जो है वो सेल किए जाएंगे नेक्स्ट हमारे पास है अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है मिस्टर रोबोटो एस इन्होंने अनाउंस किया है कि ये अपनी प्रेसिडेंट की जो पोजिशन uh, है उससे स्टेप डाउन करने वाले हैं इयर अर्लियर दैन प्लान यानी कि ये स्टेप डाउन करेंगे ऑन थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि, कि किस ऑर्गेनाइजेशन के हेड ने अनाउंस किया है कि वो स्टेप डाउन करेंगे तो वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था कि इंडियन नेवी की जो पीपीई किट है है उसे मास प्रोडक्शन के लिए अलाउ कर दिया गया है तो अभी इसका जो अपडेट ये है कि इसे जो है पेटेंट प्रोवाइड पेटेंट जो है इन्हें मिल गया है बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑल्सो अबाउट साइक्लोन अम्फान साइक्लोन अम्फान जो है इसने अभी इंडियन मेनलैंड को जो है हिट नहीं किया है पर यह जो है किस तरीके का किसी तरीके का हम कह सकते हैं कि इसके इसमें डेवलपमेंट देखने मिल रही है हमें सदर्न बे ऑफ बंगाल में अः और इस वजह से कुछ लाइटिंग शावर और रेन देखने मिल रही है इन अंडमान एंड निकोबार ओडिशा और वेस्ट बंगाल तो इवन एफ ये अगर हिट करता है तो ये हमारे ईस्टर्न कोस्ट को जो है हिट करेगा सो दैट वॉज द लास्ट टॉपिक फॉर टूड आई रियली होप एंजॉय द सेशन अगर आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन हेज बीन प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो सो इफ यू एंजॉय द सेन डोंगेट टू गिव इट अयेर एंड सब्सक्राइब एंड आई शा सी इन द नेक्स्ट वन